हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल पे फूडी ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों आज हम आए भावनगर के एकदम पॉश इलाके में जो कि वाघावाड़ी रोड है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप माहौल इतना अच्छा है, बहुत पॉश इलाका माना जाता है यहाँ का। और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बहुत फेमस है जो कि है कुम्मन भजी। मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हो इतनी गर्दी होती है यहाँ पे, हमेशा पूरा फुल ही होता है, शाम के टाइम तो ऑलमोस्ट ये फुल ही रहती है जगह। उनकी कुम्मन भजी काफ़ी फेमस होती है यहाँ की, जानते हैं गेस्ट को हमारे पूछ के देखते हैं कि उनको यहाँ का कुम्मन भजी कैसा लगता है। आइए दोस्तों। तो सर आपको यहाँ का कुम्मन भजी कैसा लगता है? मुझे इधर का इतना टेस्टी लगता है ना कि हफ्ते में दो बार मैं इधर आता हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरा मिसिस भी इतना अच्छा टेस्टी नहीं बना सकती है, मैं उसके सामने ही आपको बोलता हूँ, ठीक है। वो एक अलग ही टेस्ट उसका रहता है। शैलेंद्र भाई को मैं करीबन एक साल से जानता हूँ, ठीक है, और अभी के जो यंग जनरेशन है उसके लिए वो प्रेरणा समान है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि उसने जो शुरुआत की थी तो एक छोटी सी लारी से उसकी शुरुआत हुई थी, और अभी एक ये जो इतना डेवलपमेंट हुआ है उसकी मेहनत बोल रही है इसमें, ठीक है। और अभी हम लोग जितनी बार इधर आते हैं ना तो कभी भी पेट में कोई तकलीफ नहीं हुई है, पूरा हाइजीनिकली उसको बनाने में केयर करते हैं वो, ठीक है। और अभी यंग जनरेशन के लिए तो वो एक, मैंने बोला ना कि मेहनत करोगे और अच्छा दोगे तो आपके पास पब्लिक खींच के आएगी, ठीक है। यही उसके पास से सीखना है हमें, और तो कुछ नहीं। और आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा आते हो लेकिन यहाँ पे? हफ्ते में दो बार। बहुत बढ़िया है यहाँ की कुम्मन भजी। हाँ, ये कुम्मन भजी, और ये गांव में से बिलोंग करते हैं ऐसा मेरे नॉलेज में है, और ये सिटी में अपना डेवलप कर रहे हैं अभी बिजनेस। और बिजनेस कैसे डेवलप करते हैं ये सीखना जरूरी है, वो अकेले ही सब कामकाज करते हैं ऐसा मेरे जानकारी में है। वो अकेले ही इधर उसने सब डेवलप किया है, जैसे मान लीजिए कि ये लेके आना और ये सब खोलना, मटेरियल प्रिपेयर करना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसमें से, फिर जाते समय भी वो सब क्लियर करके जाते हैं ऐसा बोलते हैं। इधर कुछ भी कचरा वगैरह नहीं पड़ा होता है, दिख रहे हैं सब, आप देख सकते हो कि क्लीन है आसपास में। वो पानी भी उसके जो लाते हैं पीने के लिए वो भी एकदम हाइजीनिकली रहता है, हमने देखा है ये सब, तो ठीक है। वरना हम लोग ऐसा मान लीजिए होटल का टेस्ट छोड़ के इधर क्यों आते हैं ये बताइए आप, ठीक है। और रीजनेबल प्राइस जो उसकी मेहनत है उसके मुताबिक ठीक है, ये उसमें कोई वो नहीं है। और आप पूछो। बस ठीक है अंकल, थैंक यू, आपने रिव्यू दिया हमें। दोस्तों ट्राई करते हैं हमारी कुम्मन भजी, ये चटनी के साथ ट्राई करते हैं जो कि पुदीने की चटनी है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है दोस्तों, ऐसी भजी है कभी खाए नहीं मैंने, लेकिन बहुत टेस्टी है, अंदर थोड़ा स्पाइसीनेस है, जो चटनी है बहुत फ्रेश लग रही है, बहुत बढ़िया है दोस्तों, नाइस एंड क्रिस्पी है।
तो आइए शैलेन भाई से जानते हैं इन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की, और शैलेन भाई से रिस्पॉन्स का तो नहीं पूछेंगे, जैसे कि उनके गेस्ट ने ही सब बता दिया हम लोग को कितनी मेहनत की उन लोगों ने लारी से लेकर आज ये फूड ट्रक ओपन कर लिया अपना सिर्फ कुंभन भाजी बेचकर। कैसा लगता है? प्राउडफुल तो अपने आप से ही होता है, क्योंकि छोटा सा धंधा बिजनेस चालू किया था, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी इतना चलेगा, क्योंकि मेरे को जब 2-3 दिन हुए तो मेरे को लगा कि नहीं चलेगा धंधा, लेकिन फिर चलने लगा और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा बढ़िया मिल रहा है। छोटी सी लारी से किया था, आज मैंने अपना खुद का इसमें से इन्वेस्ट करके, मेरे घर का कोई पैसा नहीं है, इसमें से ही मैंने कमाया और ये इस तरह यहाँ पहुँचा हूँ। बस प्राउड हो रहा है क्योंकि मैं थोड़े पैसे थे मेरे पास उससे ये किया था, और अब बस अच्छा चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा चल रहा है पब्लिक का, बस और कुछ नहीं। तो जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, हम ऐसे ही सब छोटे छोटे बिजनेस वालों के पास जा रहे, उन पर वीडियो बना रहे, ब्लॉग बना रहे, ताकि पूरे इंडिया से या कहाँ से भी फॉरेन से लोग आए तो हमारी चीज़ों को देखे, वो यहाँ पे आके भजी ट्राई करे, अपना खाना टेस्ट करे। हमारा मेन मकसद यही है वीडियो बनाने का। जी सर, बहुत सही है सब, बाहर से भी यहाँ बहुत खाने आते हैं, एक बार आते हैं तो फिर भावनगर में जितने दिन रहते हैं उतने दिन आते, तो यही हफ्ते रहते हैं तो हफ्ते में 3 बार आ जाते हैं भावनगर यहाँ पे खाने, क्योंकि स्वाद बढ़िया रहता है, उसको मज़ा आता है। बाहर से भी आते हैं मेरे, ऐसे नहीं भावनगर के लोकल नहीं, बाहर से भी आते हैं तो यहाँ खाने आते हैं, और एक बार खाते तो 3-4 बार तो खाने आते हैं जितने दिन रहते हैं। बहुत अच्छा लगा शैलेन भाई, थैंक यू, बहुत अच्छी लगी।